लेसन नंबर 9 ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 1. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सीन 3. इन द सीन 3 इन अ डार्क फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट. ठीक है, सीन 3 कहाँ पे है? एक डार्क फॉरेस्ट में है. ठीक है, और आधी रात के वक्त है. मर्चेंट, ओ डियर आई फियर वी आर लॉस्ट जॉर्ज. अब वो कह रहे हैं कि मर्चेंट कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का खौफ है कि हम गुम चुके हैं. जॉर्ज, आई थिंक वी आर फादर. मेरे ख्याल में हाँ अबू, वी शुड नेवर हैव लेफ्ट द रोड एंड टेकन द ट्रैक थ्रू दिस फॉरेस्ट. वो कह रहे हैं कि हमें उस रोड को नहीं छोड़ना चाहिए था और इस जंगल की तरफ नहीं आना चाहिए था. मर्चेंट, इट्स वेरी डार्क हेयर इजेंट इट. ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है या बहुत ज़्यादा घना है, क्या ऐसा नहीं है? जॉर्ज, डार्क एंड कोल्ड टू. ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ वो जगह अंधेरी भी है और ठंडी भी है, सर्द है. आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत थका हुआ हूँ. आई कुड स्लीप ऑन द ग्रास राइट हेयर. यानी कि वो इतना थक गया कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर इधर घास पर भी सो सकता हूँ. मर्चेंट, यू मे नॉट नीड टू सन. वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. लुक, इज़ दैट अ वॉल अहेड ऑफ अस. क्या यहाँ पर एक दीवार है हमारे आगे? जॉर्ज, इट इज़. फादर, हाँ अबू, परहैप्स देयर इज़ अ हाउस हियर. मुमकिन है यहाँ पर एक घर हो. लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस. चलें उसका दरवाज़ा तलाश करते हैं या उसकी एंट्रेंस यानी कि जहाँ से दाखिल होना है वहाँ से तलाश करते हैं. मर्चेंट, हेयर इट इज़. इट्स नॉट अ हाउस. वगैरह यहाँ है, ये घर नहीं है जॉर्ज. इट्स अ कैसल, ये एक किला है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट्स अ कैसल. जॉर्ज, देयर डजंट सीम टू बी एनीबडी हेयर. वो कह रहा है यहाँ पे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता है. आई वंडर हु ओन्स इट. यानी कि मैं सोचते हैरान हूँ कि इसका मालिक कौन है. मर्चेंट, नेवर माइंड हु ओन्स इट, वी विल बी सेफ इन हेयर एंड कैन रेस्ट फॉर द नाइट. वो कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसका मालिक है, हम यहाँ पर महफूज रहेंगे और रात गुजार सकेंगे. ठीक है, आराम कर सकेंगे. The merchant pushes open a great door and they go inside. अब क्या हुआ था कि merchant ने push करके दरवाज़ा खोला और वो अंदर चले गए. George, look, a courtyard and a garden. वो कह रहे हैं देखो एक सहन और बाग. Merchant, how beautiful it looks in the moonlight. ये चाँद की रोशनी में कितना खूबसूरत लग रहा है. जॉर्ज, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू स्लीप फादर, आई कैन हार्डली स्टैंड. अब वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मुश्किल से ही खड़ा हो सकता हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ. मर्चेंट, येस सन स्लीप, आई शैल डू सो टू वेरी सून. वो कह रहे हैं कि हाँ सो जाओ, मैं भी जल्द ही यही करूँगा. जॉर्ज फाइंड्स अ लेज एंड लाइज डाउन टू स्लीप. अब जॉर्ज ने जो है वो एक लेज यानी कि आप कह सकते हैं एक शेल्फ नुमा यानी कि थोड़ी ऊँची सी जगह, चबूतरा टाइप एक जगह है, वो ढूंढी और वहाँ पर वो लेट गया सोने के लिए. द मर्चेंट वॉक्स राउंड द गार्डन. और मर्चेंट ने क्या किया कि वो बाग में फिरने लगा. मर्चेंट स्टॉपिंग टू स्मेल अ रोज़. अब मर्चेंट क्या होता है कि वहाँ पे एक रोज़ को, क्योंकि वो गार्डन में फिर रहे हैं तो वहाँ रोज़ को स्मेल करने के लिए वो रुकता है. वो कहता है आह दैट स्मेल स्वीट. वो कहते हैं इसकी खुशबू बहुत मीठी है. पिकिंग द रोज़, वो उस फ्लावर को ले लेता है. At least when we return, I will have a rose for beauty. वो कहते हैं कम अज़ कम मेरे पास एक फूल तो हो ब्यूटी को देने के लिए जब मैं वापस जाऊँ. There is a rumbling roll and a large figure appears at the other end of the garden. अब क्या हुआ कि वहाँ से एक गरजदार आवाज़ आई और एक large figure यानी कि एक बहुत बड़ी जिसामत जो है वहाँ पर नमूदार हुई एक end of the garden, garden के last पर. As you can see in the picture, ठीक है, दिस इज़ द बीस्ट. वहाँ पे ये उसको नज़र आता है एज ही होल्ड अ फ्लावर इन हिज हैंड. सो बीस्ट, हाउ डेयर यू सर, हु गेव यू परमिशन टू एंटर हियर एंड हु सेड यू कुड पिक माई रोजेस. अब यहाँ पे बीस्ट आ गया, वो कह रहा है कि जनाब आपकी कैसे हिम्मत हुई और आपको किसने इजाज़त दी यहाँ पर दाखिल होने की और आपको किसने कहा कि आप मेरे जो हैं वो फूल लें यहाँ से. मर्चेंट, आई एम सॉरी. यानी कि वो थोड़ा सा घबरा गया है, तभी वो थोड़ा सा वो जो है ना वो पॉजेज के साथ उसने बोला आई एम सॉरी. मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस है, माफ़ी चाहता हूँ.
वी वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में गुम गए थे, एंड वी केम इन टू योर कैसल फॉर शेल्टर, ठीक है, और पनाह के लिए हम आपके इस किले में आ गए. बीस्ट, दिस इज़ माई कैसल, ये मेरा किला है. दैट इज़ माई रोज़, वो मेरा फूल है. यू आर अ थिफ सर, जनाब तुम एक चोर हो. मर्चेंट, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है. आई पिक्ड जस्ट वन रोज़ टू टेक बैक टू वन ऑफ माई थ्री डॉटर्स, वो कहते हैं मैंने सिर्फ एक फूल लिया है अपनी तीन बेटियों में से एक बेटी के लिए. बीस्ट, वेल फॉर दैट यू विल डाई, वो कहते हैं इसके लिए तुम्हें मरना होगा. मर्चेंट, ओह नो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. इज़ देयर नो वे यू विल स्पेयर मी, वो कहता है क्या यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप मुझे छोड़ दें, कोई कोई ऐसी मतलब कि मुझे या माफ़ कर दें, मुझे बता दें कि किस तरह से वो जो है वो सेफ रहेगा बीस्ट से. बीस्ट, वेल यू से यू हैव थ्री डॉटर्स, वो कहता है वेल अच्छा तुमने कहा कि तुम्हारी तीन बेटियाँ हैं. मर्चेंट, येस आई डू, हाँ. बीस्ट, देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी टू बी माई वाइफ, उनमें से एक, वो कहता है कि फिर उनमें से एक जो है वो मेरी बीवी बनाने के लिए ले आओ. एंड आई शेल स्पेयर योर लाइफ, वो कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बख्श दूंगा. सीइंग जॉर्ज एस्लीप ऑन द लेज, अब वो क्या है कि इसी दौरान वो क्या कर, बीस्ट जो है वो मर्चेंट से बात करते हुए इसी दौरान वो उसकी नज़र पड़ती है, तो वो देखता है कि जॉर्ज वहाँ पर सो रहा है लेज पर. एंड हु इज़ दैट, और वो कौन है. मर्चेंट, इट इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है जॉर्ज. ही इज़ ट्रैवलिंग विद मी, वो मेरे साथ सफ़र कर रहा है. लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है, हम काम की तलाश में हैं. बिकॉज वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी एट होम, क्योंकि हम घर में बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं. बीस्ट, डिफ़िकल्टी, मुश्किल. वी ऑल हैव डिफ़िकल्टीज़, हम सब जो हैं वो मुश्किलात रखते हैं, या हम सब की मुश्किलात होती हैं. आई एम लार्ज एंड अगली, मैं बहुत बड़ा और बदसूरत हूँ. पीपल कॉल मी द बीस्ट, लोग मुझे दरिंदा कहते हैं, बीस्ट कहते हैं. बट यू विल बी इन मोर डिफ़िकल्टीज़ एंड विल डाई, लेकिन तुम इससे ज़्यादा मुश्किल में हो सकते हो और मारे जा सकते हो या मारे जाओगे. इफ़ यू डू नॉट सेंड वन ऑफ योर डॉटर्स, यानी कि अगर तुमने अपनी बेटियों में से एक बेटी को नहीं भेजा, पॉसिबली टू बी माई वाइफ, मेरी बीवी बनने के लिए, आई शेल गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर टू हेल्प यू, वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बॉक्स दूंगा, एक संदूक दूंगा, ठीक है, यानी कि खजाने का, बॉक्स ऑफ ट्रेजर, खजाने वाला संदूक दूंगा तुम्हारी मदद के लिए. बट मेक श्योर यू रिटर्न और आई विल फाइंड यू, आई शेल फाइंड यू, वो कहता है यानी कि ये इस बात पे यकीन होना चाहिए कि वो तुम जो है मुझे उसको वापस करोगे, और आई विल फाइंड यू, यानी कि वो मैं उसे ढूंढ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा. एंड आई शेल फाइंड यू, यानी कि वो हिम्मत रखता है कि वो उसे तलाश कर लेगा अदरवाइज. मर्चेंट, येस येस आई प्रोमिस बीस्ट, हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ बीस्ट या दरिंदे, आई मीन सर, अब वो साथ ही उसको कह देता है, ओ मेरा मतलब है कि जनाब, थैंक यू, आपका शुक्रिया. द बीस्ट डिपार्ट्स एंड रिटर्न विद अ चेस्ट फुल ऑफ ट्रेजर, ही प्लेस्ड इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट. अब बीस्ट क्या है, वो जाता है और एक बड़े से ट्रेजर के साथ आता है और उसे मर्चेंट के सामने रख देता है. बीस्ट, नाउ स्लीप, अब सो जाओ. गो इन द मॉर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रोमिस, ठीक है, वो उसे सोने के लिए कहता है, कहता है कि सुबह के वक्त तुम चले जाना और अपने वादा जो है उसे मत भूलना.